कि मैं इस मुश्किल वक्त में, इस दुखी वक्त में मैं आकर आपका हाल पूछूं, इसलिए आया हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस हाल में हैं। इसलिए आया हूं कि आपकी मुश्किलों को कम किया जा सके। इसलिए आया हूं कि आपकी मुसीबतों को कम किया जा सके। इसलिए आया हूं कि अल्लाह के फजल करम से मैं आपको उम्मीद दिलाऊं कि इंशाअल्लाह ये जो नुकसान हुआ है, आपके फसलों को नुकसान पहुंचा है, आपके माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा है, आपके घरों को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत चाहे वसाइल कम है, हुकूमत के पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा जो काम इस वक्त हमारे पास है, वो ये है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस काम में, इस कार्य खैर में हुकूमत पीछे नहीं रहेगी, आपके कदम से कदम मिला के चलेगी, आपके हाथों में हाथ डाल के चलेगी। चाहे सूबाई हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे मरकज की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, दोनों हुकूमतें मिलकर इंशाअल्लाह आपके इन उजड़े घरों को आबाद करेगी। दोनों हुकूमतें मिलकर इंशाअल्लाह आपकी फसलों का मुआवजा आपको देगी। दोनों हुकूमतें इंशाअल्लाह मिलकर आपके माल मवेशी जो ज़ाय हो गए हैं उनका मुआवजा देगी। इंशाअल्लाह इस काम में हम पीछे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान के आवाम की मलकियत है। ये सारा पैसा जो है ये आपकी अमानत है, और आपकी अमानत इंशाअल्लाह आप पर ही खर्च की जाएगी। आपको कोई इसमें जो है वो ऐसा अंदेशा नजर आए कि आपका आपको हक नहीं मिल रहा, तो शहबाज शरीफ भी पहुंचेगा, नवाज शरीफ भी पहुंचेगा, आपको आपका हक दिलाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ, आपने आफरीन है आप पर, आपने कहना साबित कदम रहना। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, आज पूरी कौम कह रही है सर इस मुसीबत। मौलाना रहमतुल्लाह, और मौलाना रहमतुल्लाह साहब किधर है? आप मौलाना साहब को बुलाए, मौलाना साहब को बुलाए। ये मौलाना रहमतुल्लाह साहब आपके सामने खड़े हैं, और सिकलैन भी आपके सामने है। ये दोनों हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। लाली साहब मेरे दाएं हाथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और मौलाना साहब को आप जानते हैं, ये मेरे भी बुजुर्ग हैं और मुझे बड़े अजीज हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। और मैं आज पहली दफा नहीं आया, पहले भी आ चुका हूँ, और मैं इंशाल्लाह आइंदा भी आऊँगा।